हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज खास क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक डेटा हमारे पास है जिसमें नेम और क्लास लिखा हुआ है। ये क्लास में कुछ कॉलेजेस भी आ गए हैं लाइक BCA, MCA और बी लेवल। ये तो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन होता है बी लेवल। तो अभी बात कर लेते हैं कि इस पर हमको फिल्टर अप्लाई करना है। तो अगर फिल्टर अप्लाई करना है तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ होम टैब में आपको शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से जाकर के आप फिल्टर लगा सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। ये शॉर्ट कर दिया मैंने। अगर आपको फिल्टर लगाना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये फिल्टर अप्लाई हो जाता है। यहाँ से आप अब फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस फिल्टर को हटाना चाहता हूं तो फिर यहां पर जाकर के इसी फिल्टर पर क्लिक कर दूंगा, ये फिल्टर हट जाएगा। तो क्या कोई ऐसी शॉर्टकट की भी होती है फिल्टर को लगाने की, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस पर अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हो तो यहां पर कर्सर को रखिए और आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन। जैसे ही प्रेस किया मैंने तो आपने देखा कि यहां पर ये फिल्टर अप्लाई हो गया। अब यहां से जिन चीजों की जरूरत आपको है उन चीजों को आप ले लीजिए। ओके, यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं मैंने दो नेम को सिलेक्ट किया है तो ये दो नेम सिलेक्शन में आ गए हैं और यही दो नेम डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हम कलर के बेस पे फिल्टर करें, तो क्या कलर के बेस पे भी फिल्टर हो सकता है, आइए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट किया और फिर यहाँ से इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, लाइक ये कलर रख देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको सिलेक्शन में लेता हूँ और यहाँ पर इसमें भी यही कलर रख देता हूँ, ठीक है। ये कलर था, ये कलर रख दिया हमने। अब इन दोनों का कलर हमने सेम रखा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या इसे फिल्टर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आना है, अब फिल्टर तो लगा ही हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट बाई कलर, तो बस शॉर्ट बाई कलर कर दीजिए आप। और यहाँ पर देख सकते हैं इसी कलर को शॉर्ट करना है तो ऊपर ये सबसे ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से 1, 2, 4 या 5, 10 डेटा आपके पास हो तो आराम से फिल्टर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।